नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कच्चे कर्मचारियों के लिए। बड़ी खबर, हरियाणा के गुरुग्राम से नहीं बढ़ा है वेतन। धरना देके आयुष्मान मित्रा, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू करने वाले आयुष्मान मित्रा के हक में अब तक कुछ नहीं हुआ। आयुष्मान मित्रा से बैठक करके उच्च अधिकारियों ने 10 अप्रैल को आश्वासन दिया था एक महीने के अंदर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर आयुष्मान मित्रा पंचकूला में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आयुष्मान मित्रा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 9 मार्च 2023 से यह आंदोलन शुरू किया गया था। आयुष्मान मित्रा संघ हरियाणा की ओर से 9 मई और फिर 19 मई, फिर 23 मई और फिर 20 जून और अब अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर लिखे पत्र में किसी प्रकार के भी अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 3 जुलाई से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सेक्टर 12 पंचकूला के कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। वहीं पर धर्मवीर फोगाट ने कहा, आयुष्मान मित्रों की मांग का समर्थन करते हैं, जल्द से जल्द उनको उचित वेतन दिया जाए। 3500 से 4000 पे लग उनका वेतन है, इसमें रोजी रोटी भी नहीं चलती। कम से कम डीसी रेट या HKRN के माध्यम से उनको किया जाना चाहिए। अभी की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा के राज्य महासचिव नितिन गुणवात व महेंद्रगढ़ के नवीन, फरीदाबाद से अरुण, रेवाड़ी से मोनू और सिरसा से मंजू ने कहा, जल्द से जल्द डीसी रेट आयुष्मान मित्रा को दिया जाए वरना बड़ा आंदोलन होगा।